बहुत अच्छा गठबंधन हो रहा है और सीट का नहीं है, जीत का गठबंधन है। गठबंधन जीत के आधार पर है, जीत ही हमारा बंटवारे का रणनीति का हिस्सा है। वो खुद ही भटके हुए लोग हैं बीजेपी के लोग। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और इसके साथ ही सियासी बयानबाजी का दौर भी तेज है। तमाम पार्टियां पूरी तैयारी के साथ लोकसभा चुनाव के मैदान में कूदने को तैयार हैं। इसी बीच यूपी में भी सियासी पारा हाई है। सपा और कांग्रेस यहां मिलकर बीजेपी को हराने के लिए पूरा जोर लगाने को तैयार हैं। वहीं आज कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव ने इंडिया अलायंस को लेकर एक बड़ी बात कह दी है। लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की भूमिका को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अकेले लड़ने का फैसला लिया है, तो वहीं पंजाब में भी आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की बात कहती दिख रही है। ऐसे में अखिलेश यादव जब कन्नौज पहुंचे थे तो पत्रकारों ने उनसे इंडिया अलायंस और यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर सवाल पूछा। इस सवाल का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ये सीट का नहीं बल्कि जीत का गठबंधन है। साथ ही उन्होंने बीजेपी के लोगों को भी भटका हुआ बता दिया है। भैया यूपी में गठबंधन की राय बन गई है? बहुत अच्छा गठबंधन हो रहा है और सीट का नहीं है, जीत का गठबंधन है। भैया कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाएंगी? सीटें की संख्या कितनी भी हो सकती है, गठबंधन जीत के आधार पर है। जीत ही हमारा बंटवारे का रणनीति का हिस्सा है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि इंडिया गठबंधन अब भटकने लगा है। वो खुद ही भटके हुए लोग हैं बीजेपी के लोग, भटके हुए लोग हैं बीजेपी के लोग। किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाए, नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। और खैर कन्नौज के लोग आप समझिए, प्रदेश देश भूल जाइए, कन्नौज को बर्बाद कर दिया बीजेपी ने कि नहीं कर दिया बर्बाद? ये सड़कें वही हैं जो समाजवादियों ने बनाई, ये फोर लेन जिसमें चल रहे हो आप समाजवादियों ने बनाई, एक्सप्रेस वे समाजवादियों ने बनाया, नहर के किनारे वाली सड़क समाजवादियों ने बनाई, और जो समाजवादी बनाया उसके अलावा एक काम और किया हो तो बता दो। तो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है और साथ ही वो अपनी जीत के लिए भी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या नया मोड़ यूपी की सियासत में लेकर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।